स्वागत है आप सभी का शिव की नगरी में। इसका पूर्ण इतिहास किसी ने भी आपको कभी नहीं बताया होगा। अगर शिकार है तो शिकारी भी यहीं पर आपको मिलेंगे। बहुत बड़ा था, 7 फुट का तो होने था। हर हर महादेव। तो ये हमारी एंटर हो गए हैं शिवबाड़ी में। हाँ जी, तो अभी यहाँ पर तैयारियां होनी शुरू हो चुकी हैं क्योंकि शिवरात्रि भी आने वाली है। ये देखिए बाहर का दृश्य, ये यहाँ पर पोल वगैरह पहले लग चुके हैं। प्राचीन द्रोण शिव मंदिर भी इसका नाम है शिवबाड़ी का। ये देखिए रोड वगैरह चौड़े होने लग गए हैं। नहीं, अभी हम गाड़ी की पार्किंग लगाने जा रहे हैं इधर। तो जोरों शोरों से काम हो रहा है, अभी बैटरी चार्ज कर रहे हैं ये। तो शिवरात्रि के दिन तक तो ये पूरा एकदम रोड चौड़े हो जाएंगे और सभी आराम से आगे जा सकते हैं। जैसे हम आराम से चल रहे हैं यहाँ पर पैर रखने को भी जगह नहीं मिलती, इतना रश हो जाता है। स्वागत है आप सभी का शिव की नगरी में। स्वागत है आप सभी का यहाँ पर द्रोण, प्राचीन द्रोण शिव मंदिर में, जिसको हम सभी प्राचीन शिवबाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इसका पूर्ण इतिहास किसी ने भी आपको कभी नहीं बताया होगा, जो कि आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इच्छाधारी नाग नागिन रहा करते थे और भूत प्रेत का भी यहाँ पर वास था, जो कि आज भी उसका खौफ यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर आज भी सरकार रहने को पाबंदी लगाती है, रात में कोई भी यहाँ पर नहीं रह सकता, इसकी सख्त मनाही है यहाँ पर रहने के लिए। और यहाँ पर द्रोण शिव मंदिर इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पर द्रोणाचार्य की कुटिया थी और वो यहाँ पर शिव भगवान की पूजा करते थे। यहाँ पर ही पांडव और कौरवों को शिक्षा प्रदान की थी गुरु द्रोण के जरिए। और चलिए आज हम आपको यहाँ के रहस्य से पर्दा उठाते हुए शिव मंदिर के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेला लगता है शिवरात्रि के दिन और रात को। यहाँ पर चारों तरफ सजा होता है और जो यहाँ पर आप पेड़ देख रहे हो ये भी ऐसे लगता है कि नाग नागिन यहाँ पर लिपटे हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा डरावना दृश्य है और ज़्यादा टाइम हम यहाँ पर ना रुकते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर रुकना भी मना है। और शांता कराई जाती है। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वृक्ष हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर। जहाँ तक भी आपकी यहाँ पर निगाह पड़ रही है वहाँ तक यहाँ पर शॉप लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रौनक लग जाती है। तो जो भी शिव भक्त हैं उनको बहुत ही आनंद आता है और बहुत ज़्यादा लंबी लाइनें लग जाती है सुबह सुबह। हमें मतलब जैसे आज शिवरात्रि है तो इस दिन से पहले ही यहाँ पर लाइनें लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो लोग रात के 12 बजे से ही लाइनों में लग जाते हैं। और जो ये आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा पुरातन है। मान्यता ये है यहाँ की लक्कड़ भी कोई उठाकर नहीं लेकर जा सकता। और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े सांप भी साधु संत लेकर आते हैं और जो भक्तगण हैं शिव भक्त वो उनको गले पर उठाकर फोटो वगैरह करवाते हैं। जो ये हर साल करवाता है। वो फोटो लगा दूंगा। और अब की बार भी हम जब आएंगे, अगर महादेव ने हमें यहाँ पर बुलाया तो हम उसकी भी फोटो आपको दिखाएंगे, जरूर उसका व्लॉग बनाएंगे। वो देखे जा रहे हैं, ये सांबर है इनका ग्रुप। अगर शिकार है तो शिकारी भी यहीं पर आपको मिलेंगे। ये जंगल कितने ही भयानक जानवरों का घर भी है। देखिए कितनी सुंदर है प्रकृति। जहाँ भी भोले बाबा रहते हैं वहाँ का दृश्य हमेशा ही अद्भुत होता है।
इनको थोड़ा सा मे बी खतरा महसूस हो रहा है, तो ये वहाँ पर एक जगह खड़े होकर हमें देख रहे हैं। तो ये भोले बाबा की कृपा है जो हमें भी इनके दर्शन हुए हैं यहाँ पे भोले बाबा की नगरी में। वो देखिए छोटे बच्चे भी हैं इनके साथ। तो कैसा लगा भाइयों, मज़ा आया? हाँ, भोले बाबा की कृपा है हम पर जो उन्होंने हमें ऐसे दृश्य दिखाए। ये दो टुक हमें ही देखे जा रहा है, लगता है इसको हमसे प्यार हो गया है। तो यहाँ पर जब भी हम गेट पर एंट्री करते हैं मंदिर की, तो हमें ये दृश्य देखने को मिलता है। ये उन लोगों ने बनाया होता है जिनके घर नहीं होते हैं, किराए पर रहते हैं, वो यहाँ पर घर की मन्नतें मांग कर जाते हैं और पूरी होने पर भगवान को श्रद्धा अनुसार भोग और कुछ भी अर्पित करते हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ के। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शिवबाड़ी मंदिर परिसर में, प्रांगण में। तो आपको यहाँ पर शिव स्वरूप के कितने ही आपको शिवलिंग मिलेंगे, तो वो भी हम आपको हर एक शिवलिंग के दर्शन करवाएंगे। पर हमने शूज़ उतार दिए और जब शिवरात्रि होती है हम वहाँ पर शूज़ उतारते हैं और यहाँ पर हाथ धोने के लिए हम आए हैं। हाथ धोकर चलते हैं शिव भगवान के दर्शन करने और आपको भी करवाते हैं। जब शिवरात्रि होती है तो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती हैं। ये आप यहाँ से इधर नहीं आ सकते, ये सारा ही यहाँ पर लाइनें लगी होती हैं, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती है और यहाँ से अंदर आना होता है। यहाँ भी सारा बैरिगेटिंग लग जाएगी कि यहाँ से कोई अंदर नहीं आ सकता। अभी पेंट वगैरह हो रहा है। जितने भी मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी ही शिवलिंग है और यहाँ पर भी सभी जगह माथा टेका जाता है। अगर कोई शिवरात्रि के दिन मंदिर में लाइन लगकर माथा नहीं टेक सकता तो यहाँ पर सभी मंदिरों में माथा टेकने से ही उतना फल प्राप्त होता है। तो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं द्रोण शिव मंदिर शिवबाड़ी। तो ये देखिए यहाँ नीचे से ही शुरू हो जाती है लाइनें, वो हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर लाइनें लगेंगी ना तो लोग आएंगे तो उनको दिक्कत ना हो, इसलिए जो रास्ते में वृक्ष वगैरह आ रहे हैं उनको थोड़ा सा काट कर वहाँ पर फेंक देते हैं, क्योंकि लकड़ी वगैरह यहाँ से बाहर लेकर जाना सख्त मना है। वहाँ मिलेंगे भोले, सब कहेंगे राम नाम सत्य है।
आप यहाँ पहली बार आए हो या पहले भी आप आ चुके हैं? पहले आ चुके हैं, पहले भी यहाँ पे काम किया? काम नहीं किया है लेकिन माथा टेकने के लिए जो भी बोला मेरी मान्यता पूरी। अच्छा, आपने जो भी यहाँ से मांगा आपकी मान्यता पूरी? काफ़ी लोग आते हैं, जैसे काफ़ी दूरी के आदमी आते हैं। मैंने तो देखा है यहाँ तक तो जैसे हमारे इधर के यूपी के लगा के बनारस तक के कई आदमी आ चुके हैं। जैसे हम ज़्यादा तो नहीं, 4-5 बार इधर आए हैं। जितने टाइम मेला नहीं लगता इधर, उतना हम बहुत ज़्यादा दूर से जैसे आदमी आते रहते हैं। बहुत मान्यता है इसकी? बहुत मान्यता, काफ़ी दूरी तक जाओ इसके बारे में बताओ तो कई जैसे जो आदमी आ चुके हैं वो आपको बता देंगे फटाक से। तो आपको यहाँ पर अघोरी भी मिलेंगे जब 8 तारीख को शिवरात्रि है, तब वो यहाँ पर आएंगे। रात में हाँ, यहाँ पर रात में नहीं रुकने देते। कोई चीज़ आपने अनुभव की यहाँ पर? हिरन वगैरह तो रहते हैं इधर, ये तो है, कई चीज़ रहते हैं ना। कई जैसे शाम हो जाए तो इधर से गुजरो तो कोई ना कोई चीज़ें देखने को तो मिले। नाग वगैरह देखने को मिले आपको? नाग तो यार यहाँ पे ही मैंने देखा, वो भी जैसे काफ़ी जैसे डरावना सा। बहुत बड़ा था डरावना? कितने फुट का होगा? हमारे ख्याल से 7 फुट का तो होगा। अच्छा, उनको इतना था वो काले काला था? पूरा काला? पूरा नहीं, जैसे वो फन फैलाया था मेरे हाथ से कुछ ज़्यादा, मतलब बड़ा फन था उसका। यहाँ पर इच्छाधारी सांप भी रहते हैं जोड़े। चलो मिलते हैं, बहुत बढ़िया लगा। आपका नाम? मेरा नाम भाई राजू। और आपका भैया? सुमित। ओके सर, अब हम जा रहे हैं, बाय बाय। तो चलो चलते हैं, आपको अगले ब्लॉग में मिलते हैं। ऐसे ही खूबसूरत ब्लॉग हम आपके लिए लेकर आते हैं, अद्भुत स्टोरी भी हम आपके लिए कैप्चर करके लेकर आते हैं। तो हमारे साथ बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और आगे हम देखते हैं कहाँ जाते हैं, हमने कैंपिंग भी करनी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फुल नाइट स्टे बाहर करेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी त्रियुंड में। राजस्थान भी जाना है। हमारे आने वाले ब्लॉग बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा एडवेंचर करेंगे हम। आप सभी हमें सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ब्लॉग को लाइक करिए और घर बैठे हमारे ब्लॉग देखकर खुश होइए। ये वाओ। चल फिर जाना है।